गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में कलबुर्गी में दो महीने में 4 रेप इंसिडेंट नजर आया। यहाँ पर एक जो 14 साल की बच्ची थी जिसका रेप एंड मर्डर हुआ, एक 30 साल की महिला अनआइडेंटिफाइड बंदा आकर वहाँ पर उनका रेप किया जाता है और अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट नाकाम है उसको पकड़ने के लिए। अलम तालुका में 11 साल की बच्ची के रेप अटेम्प्ट करता है गवर्नमेंट स्कूल में वहाँ का टीचर। जैसा कि डॉक्टर का रेप हो गया, डॉक्टर की टीम निकली, या मंत्री की बेटी का रेप होगा मंत्री की टीम निकलेगी, या कोई भी अगर ऐसे ये रहेंगे तो उनके लिए इंसाफ है क्या? उनके लिए बाहर निकलेंगे हमारे माँ बहन है। और हर दिन 100 महिलाओं का 95 महिलाओं का बलात्कार होता है। इमीडिएटली और की फांसी शिक्षा पड़े पड़ बैठो, डिजाइनर चुनी पहन कर बैठो और जो कर सकते वैसे लोगों को सामने लाना जरूरी है। रेप करने वाला जो है ना 100 बार सोचे कि सजाए मौत किसकी सजा है बोलकर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अजहर मुबारक जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से। मैं इस इशू में जो बहुत गर्मी इशू चल रहा है इस पर एक बहुत अहम और जरूरी बात कहना चाहता हूँ। आसपास जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, आसपास अगर गुंडा नासिर को देखते हैं ऐसे जो इलीगल इसमें रहते हैं जो तो उनके खिलाफ अपने नजदीक के पुलिस स्टेशनों में कंप्लेन करें। जैसे जब मोहल्ले में बच्चे जमा होकर कहीं बैठ कर गांजा पीते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, देर रात तक 2 बजे तक 3 बजे तक बैठते हैं, उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करना बहुत जरूरी है। अगर ये लोग रातों में फिरेंगे नहीं तो ये जो हादसे हैं होना बंद हो जाएंगे। और जो भी इसके खिलाफ एक्शन ले सकती है गवर्नमेंट बहुत जल्द इस पर एक कानून लाए और इस पर एक्शन लें। और जो भी खाती इसमें मुजरिम पाया जाता है तो जो प्रूफ हो जाने के बाद उसको जल्द से जल्द फांसी पर चढ़ा दिया जाए। इन साथियों में सिराज शांति जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से। जैसा कि हम लोग कल बताए थे कि आज सीमापुरी चौक पे हम लोग एक प्रोटेस्ट करने वाले हैं महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए, वुमेन्स राइट के ऊपर। जो आए दिन हुकूमत ने पीछे थी, हुकूमत मोदी गवर्नमेंट बनी, मोदी साहब जब शपथ लिए वो टाइम पे आप बताए थे कि महिलाओं की हम सुरक्षा करेंगे, देशवासियों के साथ महिलाओं की ज्यादातर को सुरक्षा करेंगे, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बोल के जो नारा लगाए थे आप इलेक्शन के पहले। आपको बताना चाहते हो कि 10 साल में 2014 से लेकर 2024 चल रहा 3.5 लाख महिलाओं का रेप हुआ। ये फैक्टशीट की बात बता रहा हूँ मैं, सोर्स भी है इसका, एनसीबीआरबी की रिपोर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको। तो 3.5 लाख औरतों का रेप हुआ, इसका ये मतलब है कि हर महीना पूरे हिंदुस्तान में 35,000 औरतों का महिलाओं का रेप होता है, बलात्कार किया जाता है और हर दिन 100 महिलाओं का 95 महिलाओं का बलात्कार होता है। और एज पर रिपोर्ट के हिसाब से हर 16 मिनट में एक महिला का रेप होता है हिंदुस्तान में, हमारे इस मुल्क में। क्या आप इसी बेटी पढ़ो बेटी बचाओ का नारा लगाए थे? तो मैं हम जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, महिलाओं विंग की तरफ से, मैनोरिटी अजहर मुबारक की तरफ से, शाहबाद से हमारे साथ रहे हम तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर यही हुकूमत से डिमांड करें तो होम मिनिस्टर साहब से कि आप जो ये जो बीएनएस का कानून लेकर आए जिसमें आप कई सारे चीजों पर अमेंडमेंट किए, अगर आप भूल गए कि जो रेप के इश्यूज है जो एक बर्निंग इश्यू है हिंदुस्तान का उसके ऊपर आप अमेंडमेंट करना भूल गए। आप जो 10 साल और लाइफ इंप्रिजनमेंट की जगह है उसकी जगह अगर ये फांसी की सजा आप लगाते यकीन माने पूरे हिंदुस्तान में ये बलात्कार के केसेस कम हो जाएंगे। गली की बात है, छोटी बच्ची दलित समाज की एक छोटी बच्ची बिहार में जो बकरे चलाने गई उसको गैंग रेप किया गया, बच्ची खूना खून हो गई। उसका वीडियो भी है, मैं इंशाल्लाह मीडिया को भी दूंगा मैं, वो दलित पेज पे आया है वो उसके अंदर। तो इस तरीके से यौन शोषण हो रहा महिलाओं का। और खैर ये तो, और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में कलबुर्गी में 2 महीने में 4 रेप इंसिडेंट नजर आया। यहाँ पर एक जो 14 साल की बच्ची जिसका रेप एंड मर्डर हुआ और उसके बाद एक 30 साल की महिला जो अपने घर के शेड में थी, अपने उसका शोहर उसका हस्बैंड और उसकी बेटी जब बाहर चले गई तो एक अनआइडेंटिफाइड बंदा आकर वहां पर उनका रेप किया जाता है और अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट नाकाम है उसको पकड़ने के लिए। 14 अगस्त के दिन एक 11 साल की बच्ची अलम तालुका में 11 साल की बच्ची के रेप अटेम्प्ट करता है वहां का टीचर, गवर्नमेंट स्कूल में वहां का टीचर करता है वहां पर। तो आए दिन ये जो कार्रवाई हो रही है, गवर्नमेंट हैज़ टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन एंड ह्यूमन पुलिस डिपार्टमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन इन दिस रिगार्ड। तो ये हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं और हुकूमत को हम यहाँ से मेमोरेंडम के साथ साथ छुरी भी भेज रहे हैं, क्योंकि अगर तुम महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते छुरी पहन कर बैठो, डिजाइनर छुरी पहन कर बैठो और जो कर सकते वैसे लोगों को सामने लाना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिया अहमद जनता परिवार जेपी जनता परिवार लेडीज टीम की तरफ से आज ये प्रोटेस्ट रखा गया है कि हमारे लेडीज और लेडीज का बहुत बलात्कार हो रहा है, बहुत मर्डर्स हो रहे हैं और इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। और जैसे कि बताया गया मुमिता डॉक्टर थी कि डॉक्टर को ही इंसाफ मिलेगा, डॉक्टर की टीम बाहर आके इंसाफ मांगेगी, हमारे गरीबों बेटियों के लिए इंसाफ नहीं है।
जैसा कि डॉक्टर का रेप हो गया, डॉक्टर की टीम निकली, या मंत्री की बेटी का रेप होगा मंत्री की टीम निकलेगी, या कोई भी अगर ऐसे ये रहेंगे तो उनके लिए इंसाफ है क्या? उनके लिए बाहर निकलेंगे हमारे माँ बहन है, हम गरीबों के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, इंसाफ नहीं मांगेगी। हम लेडीज इंसाफ के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं और हमारे माँ बहनों को बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा है और हम हत्यारों को फांसी कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए और उनको फांसी होना चाहिए। अब अगर उनको सजा देंगे तो ये क्राइम बचेगा और रुकेगा इसको। और हम यही मैसेज दे रहे हैं कि हुकूमत जो है ना चूड़ी पहने और चूड़ी पहनकर बैठे रहे, क्योंकि जो डिजिटल इंडिया पैन इंडिया जो बोले है स्टेट में नरेंद्र मोदी जी कि देश की बेटी जो है ना आजाद रहेगी, कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, तो हमारी देश की बेटी जो है ना कहीं भी सेफ नहीं है। जो रोड पे निकलती है कॉल सेंटर के लिए जाती है, जॉब के लिए जाती है, स्कूल के लिए जाती है, 2 साल की 5 साल की 18 साल की 30 साल की हर एज की लड़की के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो रेप किया जा रहा है और उन रेपिस्टों को जो है ना बाइज्जत बरी किया जा रहा है इंडिपेंडेंट डे के दिन, तो ये जो रेपिस्टों को जो बाइज्जत बरी किया जा रहा है उस कारण ये जो रेप बढ़ रहे हैं। तो हम यही अपील कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, मोदी जी जो संविधान में जो कानून जो बदलते रहते हैं हर वक्त, तो ये रेप के मामले को भी जो है ना कानून में जो है ना ये संविधान में जो है ना फांसी की सजा जो है ना दिया जाए, ताकि रेप करने वाला जो है ना 100 बार सोचे कि सजाए मौत किसकी सजा है बोलकर। इले वर्ष के 100 वरे 35 सवि ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲತ್ಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 195 ಪ್ರಕಾರ ಬಲತ್ಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಜನತಾ ಪರಿವಾರ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರವನ್ನು ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೀವು ಎಚ್ಚನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಕ್ಕ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಚ್ಚನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಫಾಸಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತೈತೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನೀವು ಇದು ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಡ್ರೆಸ್ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಆದ್ರೆ ಹೈಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕ. ಆಗ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್, ನಾವ್ ಯಾವತರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆತರ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ದನಿ ಎತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ದನಿ ನೀವತ್ತು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಡ್ಡಲಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನೀವು ಯಾಕೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲೇ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀರಿ, ಸಾಯಕಾಲಿಗೆ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಹೋಯ್ತಾರೆ. ಹಂಗೊಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನೋ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಯ್ಲ ಕಲೆಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾನ್ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ಅಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರ್ನಲ್ಲೇ ಹೋಗಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ಕಾರ? हर वक्त आए दिन बलात्कार होते हैं और छोटे से छोटे बच्चों का भी बलात्कार किया जा रहा है और कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा. हमें इंसाफ चाहिए, जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा हम ऐसे ही प्रोटेस्ट निकालते रहेंगे. आज यहाँ पर कीमापुरी सर्कल पर एक प्रोटेस्ट रखा गया था जिसका नाम था चूड़ी पहनो हुकूमत, क्योंकि आज गुलबर्गा में बेटियां सेफ नहीं है कहीं भी. गुलबर्गा में क्या पूरे हिंदुस्तान में भी बेटियां सेफ नहीं है? ये जो बलात्कार करते हैं कहीं भी फिरते हैं कहीं भी घूमते हैं, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए.